बिग बॉस OTT3 से पायल मलिक का इविक्शन हो चुका है। घर से बाहर निकलते ही पायल मलिक ने कई बड़े खुलासे किए, साथ ही बताया आखिर किसकी वजह से उन्हें शो से इतनी जल्दी बाहर आना पड़ा। आपको बता दें, पायल मलिक ने अपने पति अरमान मलिक के साथ बिग बॉस हाउस में एंट्री ली थी। साथ ही अरमान अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक को लेकर भी बिग बॉस हाउस में पहुंचे हैं। ऐसे में इतनी जल्दी पायल मलिक इविक्ट हो गई, जिसकी वजह से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा। वहीं पायल मलिक ने बताया कि नेजी ने उनका नाम नॉमिनेट किया था, साथ ही बाद में नेजी को इस बात का भी दुख हुआ कि उनकी वजह से पायल को जाना पड़ रहा है। पायल ने ये भी खुलासा किया कि दीपक बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पायल शो में रहे, क्योंकि दीपक को लगता था कि अगर पायल, अरमान, कृतिका साथ रहेंगे तो इनकी पावर बढ़ती चली जाएगी। आप भी सुनिए पायल ने इस बारे में क्या कुछ कहा। मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वजह से नहीं निकली हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का, पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना पड़ा। तो ऐसे कौन से घर वाले लग रहे थे आपको कि जिन्होंने कहा कि आपको निकलना चाहिए, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? जी सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीजन गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उन्होंने ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के बैठे थे कि ये तीन लोग एक ही घर से आए हैं और इनके तीन वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सके। वहीं पायल मलिक ने शिवानी कुमारी को लेकर भी बड़ा खुलासा किया और बताया कि शिवानी बच्ची नहीं है, वो सब कुछ प्लान करके आई है और कैमरा के लिए सब कुछ कर रही है। फिलहाल आप बताइए कौन है आपका बिग बॉस OTT3 का फेवरेट कॉन्टेस्टेंट नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।